नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक प्लांचा मॉडल आयरन है। ये दोस्तों इसका जो क्या हुआ है, इसका थर्मोस्टर खराब है और साथ में ये इसका वायर खराब है। तो अपने थर्मोस्टर डालने का है और ये वायर डालने का है। दोस्तों हमने इसको रिपेयरिंग के लिए 280 रुपये चार्ज किया हुआ है। थर्मोस्टर डालना है और वायर डालना है। दोस्तों इसका थर्मोस्टर डालने में काफ़ी मगजमारी होती है और सेटिंग में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसे वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं एक ही दो पार्ट है। बाकी जो आयरन है उसके अंदर थर्मोस्टर सिर्फ सिंगल पीस में होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। तो आप वीडियो को ध्यान देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि इसका थर्मोस्टर कैसे आ रहा है। दोस्तों उसके लिए पहले आप ये वायर खोल लें, इसको पूरा बाहर निकाल लें। दोस्तों देखिए, हमने वायर को इसके साथ निकाल दिए हैं। अभी आपको यहाँ पे एक लंबा बोल आता है, इसको भी खोल लेना है ताकि हमारे ऊपर का कवर सो को निकल जाए। इसको बाहर निकाल लें और सारे सामान को संभाल के रखें, घुमाए ना, गुम हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। फिर आपका ये नेम प्लेट सो बटन निकाल लें और फिर ये दोस्तों खोल के कवर बाहर निकाल लें। आराम से उठा लें, इन्हें बाहर निकल गया। अभी आपको इसको बाहर निकालना है, क्योंकि अच्छा है, जो सामान अच्छा हो उसको डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको ही डालने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, अभी आपको डालना है थर्मोस्टर, पर एक बार चेक करने कॉइल आपको सही है क्या। ऐसे मेरे पुराने दुकान से आए ये, उन्होंने कहा कि मैंने चेक किया है तो मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या गया है, खाली उन्होंने बोला हाँ तो हमारा कॉइल सही है। अब बॉडी शॉट चेक कर लें, उससे बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब देखते हैं, उन्होंने कहा थर्मोस्टर खराब है तो उन्होंने चेक किया था। हाँ दोस्तों, इसका जो पॉइंट है ये जल बोलो क्या, वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी अपने को खोलने का है ये थर्मोस्टर का सारा पार्ट निकालना है, ये भी डालना नया, मतलब टोटल कंप्लीट डालना नया। उन्होंने कहा कि सब कुछ डाल देना नया भाई, वो अदर मैकेनिक है, तो इसके लिए बोला मैं खोल के चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए अपने को सब कुछ डालना नया। एक काम करें, खोलने से पहले सब बराबर देख लें, अगर आप नए हैं तो। अगर आपको पता है सब कुछ कैसे करना चाहिए गाइस का, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं पता है तो मतलब एक बार मोबाइल से फोटो खींच लें, फोटो खींच के फिर खोलना शुरू करें। अब दोस्तों मैं सारे पार्ट निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए, सारे पार्ट हमने खोल दिए हैं, टोटल पार्ट आप देख पा रहे पूरी तरह से। अभी हमारा देखिए नया फर्मोस्टर है, इसमें देखिए कितने सारे स्पेयर पार्ट्स हैं एक साथ में। दोस्तों इस तरह के थर्मोस्टर वगैरह चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मैं अपना एड्रेस पिन कोड साथ ही भेज दीजिए, मैं आपको जो भी स्पेयर पार्ट चाहिए भेज सकता हूँ। हाँ, पहले मेरा कुरियर का सेटिंग नहीं था, इसे नहीं भेजा था, लेकिन अभी मेरा सारा सेटिंग बराबर हो चुका है। अब खाली ऑर्डर करिए बस, मैं आपको सामान भेज दूँगा। अब दोस्तों देखिए, इस पैकेट को फाड़ लें और सारे सामान को एक साथ रखें, ताकि बहुत बारीक बारीक आइटम इसमें रहते हैं सब। दोस्तों देखिए, ये पट्टी है और ये नट है, ये चीनी मिट्टी का है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें नंबर है, एक साइड नंबर है, एक साइड नंबर नहीं है। जो नंबर बना आपको ऊपर रखना है, ये बिना नंबर नीचे रखना है। अगर आपने ऐसे लगा दिया तो आपका आयरन कट ऑफ नहीं होगा, क्या ध्यान देना आपको। हमेशा ये नंबर जो है ये आपको ऊपर साइड रखना है, जो बिना नंबर है नीचे रखना है, ऐसे लगाना है। अब दोस्तों देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको यही लगाना पड़ेगा, ये वाला पट्टी ही सबसे पहले पट्टी लगाए। दोस्तों उसके लिए बारीक वाला स्क्रू जो था वही लगाना है अपने को, और साथ में आपको ये जो हमारा सेटिंग नट है इसको भी लगा लें, क्योंकि इसके द्वारा आपको सेटिंग करना होता है इसको, और इसको एकदम फुल टाइट करना है। अगर ढीला रहेगा तो ये बराबर कट ऑफ होएगा नहीं, तो एकदम फुल टाइट करना है, ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। हाँ दोस्तों देखिए, फुल टाइट हो चुका है एकदम। अभी आपको लगाना है, उसके बाद आपको लगाना ये वाला भाग, इसको आप लगाएंगे, लगाने से पहले ये लगता है इस तरह से, देखिए ये लगेगा इस तरह से। लेकिन आपको लगाने से पहले यहाँ पे एक जो नट लगा था नट देखने का, हाँ नट है यहाँ पे, आपको नट यहाँ लगाना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है,
अभी आपको पहले इसको बैंड करना पड़ेगा, ताकि अगर आप ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा पता है? ये देखिए, समझिए आपने ऐसे लगा दिया तो ये पट्टी एकदम उसी तरह रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा उसको। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह पकड़ लेना है और ये इस तरह से बैंड कर देना है, ताकि देखिए दबा रहे आप इस तरह ऊपर आ रहा है, आपको नीचे वाले भी सेम इसी तरह बैंड कर देना है। ये देखिए अभी खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएगा, इस तरह बैंड करना है आपको दोनों को। उसके बाद लगाने से पहले आपको इस देख रहे इस पॉइंट को, इसको अच्छे साफ कर लेना है ताकि धूल मिट्टी डस्ट हो साफ हो जाए। दोस्तों मैं इसको भी साफ कर लेता हूँ। देखिए आप इस तरह रख दें और फिर आपको ये लगाना है, ये चीनी मिट्टी लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारे को शॉक से बचाता है ये। फिर आपको ये लगा देना है नट। दोस्तों ये जो आयरन है इसको रिपेयरिंग करने में काफ़ी मगजमारी होती है, इसे हमने सोचा एक बार बता दूं मैं पूरी तरह से, ताकि आप इसमें समझ जाए अच्छे से कि कैसे लगाते हैं थर्मोस्टेट। फिर दोस्तों इसको टाइट करेंगे, टाइट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ताकत लगाना नहीं है, नहीं तो खाली पेपर ही है, ये फट जाएगा, फट जाएगा तो आपका ये भाग जो है ये वाला पार्ट पूरा खराब हो जाएगा। अब इसको पूरा टाइट कर देना है। उसके बाद में ये आप पट्टी देख पा रहे हैं, ये पट्टी आपको लगाना है इस तरह से। दोस्तों आपको पता है ये पट्टी क्या काम करता है? ये पट्टी काम क्या है पता आपको? ये पट्टी काम ये है, देखिए अभी ये कितना फ्री है, बहुत ज़्यादा फ्री है। ये पट्टी लगाने से क्या होता है, हमारा जो ये बटन है ये थोड़ा टाइट घूमेगा, ये तो इसके उसको लगाया जाता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको हल्का से इसको बैंड करना पड़ेगा। आप इस तरह से पकड़ लें और ये इस तरह से बैंड कर लें हल्का हल्का दोनों साइड। देखिए हमने बैंड कर दिया है, अभी आपको लगाना है इसको। अब दोस्तों देखिए हल्का ये टाइट हो चुका है, ये देखिए पहले देखिए ये कितना ढीला है, इसको लगाने के बाद क्या होता है ये हल्का सा ये टाइट हो जाता है। देखिए अब टाइट है, इसका ये काम है। और फिर आपको इसको लगा देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो नट लगा था, ये नट लगा दें और फिर आपको इसको टाइट करना है। अब दोस्तों देखिए हमने इसको लगा दिया है, अभी आपको क्या करना है पता है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीच में कितना गैप है, अभी आपको ये गैप को भरना है। इसके थ्रू आप टाइट करते जाएंगे, गैप में भर जाएगा। दोस्तों इसको टाइट करेंगे तभी आपको एक बात को ध्यान देने का है। ये देखिए सेम यही चीज़ है ये वाला। इसको सेटिंग कैसे करते हैं पता आपको? समझिए आपका ये वाला भाग लगा हुआ है मेरे हाथ में है, लग गया ये, और ये वाला भाग है ये देखिए। जब आपका आप देख पा दिख रहे उसके अंदर, देखिए अगर आपको यहाँ पे लाके सेटिंग करेंगे तो परफेक्ट नहीं होगा, इसका सेटिंग आपको लाके यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाने के बाद में इस पॉइंट को इस पर चिपका देना है। चिपका देंगे फिर हल्का से घुमाएंगे आप इस तरह से, यहाँ पे आएंगे लास्ट में। देखिए मैं फिर से बोली समझिए, आप यहाँ पे लाके आपको इस पॉइंट को पैक करना है इस तरह से। जब हल्का सा घुमाएंगे लास्ट में आपको, तब ये पॉइंट हल्का खुला रहना चाहिए, बस आपको यही ध्यान देना है। बस आप इसको यहाँ पे लाके सेटिंग नहीं कर सकते, इसको लाके यहाँ पे सेटिंग नहीं कर सकते, कम से कम सेटिंग आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे हल्का सा लास्ट में बचा होना चाहिए बस। अब दोस्तों देखिए मैंने हल्का जहाँ दिखाया आपको वहाँ पे रख के मैं इसको भी सेटिंग करता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमने ये वाले भाग को एकदम लास्ट में रखा है, अभी हमारा पॉइंट खुला हुआ है, अब इसको हल्का से घुमाएंगे आप। ये देखिए हमने हल्का घुमाया, हमारा पॉइंट अपन चिपक चुका है, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट भी काम करेगा। अभी आपने सेटिंग कर दिया है, उसके बाद इसे कनेक्शन करने का है। इसको कनेक्शन करने से पहले आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, इसको फिट कर दें। दोस्तों मैं मेरे वीडियो को ये समझिए आप कि एडिट करता ही नहीं हुआ, डायरेक्ट जैसा बनाता हूँ वैसा अपलोड कर देता हूँ, वो इसके लिए ताकि आपको जो हमारी गलती हो जाए मुझसे वो भी आपको दिखाई दे, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान काम करता है तो गलती करता ही है वो। और बाकी जो वीडियो बनाते हैं लोग वो आपको दिखाएंगे अपनी कमी, वो तो खाली ये दिखाएंगे कि हाँ दोस्तों देखिए हमारा सामान बन चुका है, रेडी हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमने इसको लगा दिया है, अभी आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली पट्टी, आपको यहाँ पे पट्टी लगाना पड़ेगा, पट्टी हो या वायर हो,
मैं दोस्तों देखिए जो पट्टी लगा था पहले इसके बाद कट कर दूंगा। दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है मेरे वीडियो के उसको जरूर ओपन करें, क्योंकि हमने अभी तक 566 वीडियो बना दिया है, 566 वीडियो बना दिया है और उसमें सभी वीडियो आपके काम के हैं। शायद ही आपको इस तरह के चैनल पे रिपेयरिंग के इतने सारे वीडियो मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि पंखे वीडियो हैं तो एक जैसे वीडियो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वीडियो सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हैं, सभी वीडियो के अंदर कुछ अलग है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं बताऊँ लोगों को चलो दोस्तों देखिए हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है, ऊपर वाली पट्टी को जो सेंटर में है इसमें आपको जोड़ देना है और ये वाला जो है कॉइल का इसको आपको ऐसे लगा देना है। दोस्तों ये बार जो है फुल चार्ज करना है, पट्टी को ढीला नहीं छोड़ना है। अभी आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पट्टी नीचे दिख रहा है इसके अंदर आपको इसको लगा देना है, इसको लगा के कॉल के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देना है। और ये सब काम जब आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, ये सब काम जल्दीबाजी वाला नहीं है, एकदम फुर्सत वाला काम है। और जब भी आप इस तरह का आयरन बनाएं तो एकदम आराम से ही बनाएं, क्योंकि जल्दीबाजी करके आप ये काम कर नहीं सकते। और खास करके अगर आप नए हैं तो फिर बहुत ही आराम से बनाएं आप। दोस्तों ये फुल टाइट करना, ढीला नहीं छोड़ना है। अगर पट्टी आपका ढीला है और वासर में जरूरत पड़ती है तो वासर लगाएं, ऐसा नहीं कि आपने बस खाली फॉर्मेलिटी अदा किया है। क्यों, क्या होगा पता है, अगर आपने इसको ढीला फिटिंग कर दिया तो आपका आयरन एक बार गर्म होगा, स्पार्क करके बंद हो जाएगा और बराबर गर्म होगा नहीं, तो इसके लिए आपको हमेशा फुल टाइट करना, ढीला नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये पट्टी शायद टाइट ही हो रहा है, इसे वासर लगाना पड़ेगा, इसे खोल के वासर लगाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए टाइट हो गया है। अभी आपको ये जो पट्टी लगा अपनी थर्मोस्टेट से आया हुआ आपको जोड़ देना है इस टर्मिनल के अंदर। दोस्तों देखिए टाइट कर दिया आपने, अभी जाट के इस पट्टी को दबा दें यहीं पे। अभी आपको ध्यान देना है ये पट्टी और ये पट्टी आपस में टच नहीं होना चाहिए, हमें तो दूरी होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए अभी आप सप्लाई कहाँ देंगे पता है, आपको सप्लाई यहाँ बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ सप्लाई देते ही मारेगा फटाक आवाज आएगा और आपका आवाज जल जाएगा। अब सप्लाई कहाँ देंगे पता है, आपको सप्लाई देना है यहाँ पे, इसमें देना है, इसमें लगाना है फेस, इसमें लगाना न्यूट्रल, कि फेस जो हमारा है आप जो है लगाएंगे फेस तो आपको फेस जो है इस पट्टी के अंदर आएगा, इस पट्टी के थ्रू। ये देखिए आपने फेस लगाया इसको इस पट्टी के थ्रू, इस पट्टी में रहेगा, जब आपका पॉइंट दबेगा ये तो इस पट्टी में नीचे वाला आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे आ गया, फिर कॉल दूसरे टर्मिनल पर आ जाएगा, फेस यहाँ पे आ गया और न्यूट्रल में डाल दे दिया है, तो इस तरह से हमारा
आयरन काम करता है। अब दोस्तों देखिए, आपने कनेक्शन कर दिया है, अभी आपको चेक करना है कि आपका आयरन बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कम से कम काम कर रहा है, कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों एक बताओ, इस टाइप का आयरन बनाएंगे आप तो इसमें कट ऑफ होने में समय लगता है, कट ऑफ होने में समय लगता है, कट ऑफ ऑन होने में समय लगता है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है कि तुरंत ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है बॉडी सॉल, और जब भी आप आयरन रिपेयरिंग करेंगे तो बॉडी सॉल चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, हमारा आयरन बराबर है, मतलब ऑन तो हो रही है, अभी लगा रहा मेन में। दोस्तों मेन में लगाने से पहले इसमें लगा दो इंडिकेटर, ताकि आपको समझ आए कि कट ऑफ हो कि नहीं हुआ। और हाँ दोस्तों देखिए, अभी ये इंडिकेटर है, इसके अंदर हमारा एक आता है, शायद रजिस्टर बोलते क्या बोलते पता नहीं मेरे को, वो है नहीं इसके अंदर, इसे लगा नहीं सकते आप, क्योंकि ये लगाएंगे तो घर का लाइट जा सकता है आपका, तो आपको इंडिकेटर नया लगा देना है। दोस्तों देखिए, ये हमारा इंडिकेटर है, अरे आपको पता है इंडिकेटर कहाँ सप्लाई देंगे आप? आपका इंडिकेटर लगता है यहाँ पे, देखिए एक तो लगाना है इस पॉइंट पे, एक लगाना है इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो फेस है, जब आप आयरन ऑन करेंगे तो फेस यहाँ पे आएगा और तब आपका इंडिकेटर ऑन होगा, इंडिकेटर तो डायरेक्ट इसके अंदर रहेगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन देते हैं, आप गौर से देख लीजिए मैं भी कैसे कैसे कर रहा हूँ। आपको इसी को फिटिंग करने के बाद में सेम कनेक्शन ऐसे करना पड़ेगा, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। पहले आप इसको बनाना टर्मिनल, इस तरह से आपको बनाना टर्मिनल, ताकि आपका वायर टाइट हो सके। दोस्तों आप लोगों को कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। अब दोस्तों देखिए, अभी आप लगाएंगे इस वायर को टाइट करना है तो वैसा जरूर लगाएं, क्योंकि पतला वायर है, आप टाइट करेंगे तो आपके स्क्रू से वायर कट सकता है, ये तो इसके लिए आपको वैसे जरूर लगाना है। दोस्तों देखिए, हमने लगा दिया है, अभी देखिए अभी आपको यहाँ भी टाइट करना है, हाँ टाइट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। इस तरह से आपको यहाँ भी लगा टाइट कर देना है। दोस्तों देखिए, हमारा कनेक्शन हो चुका है इंडिकेटर का, अभी आपको सप्लाई कहाँ देंगे आप? आपको देना फेस यहाँ पे, न्यूट्रल यहाँ पे। गलती से आपने फेस यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे दिया तो लाइट ऑन करते आवाज आएगा फटक, आपको घर की लाइट जा सकती है, कैसी बात उड़ सकता है। तो आपको फेस हमेशा ध्यान देना है, फेस आपको लगाना जैसे कनेक्शन बताया मैंने, ऐसा देख के फिर लगाना है। अब दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्ट मेन में लगा रहा हूँ, वायर नंगा है ये, तो ध्यान देना है कि आप गलती से आपस में टच ना हो जाए, नहीं तो फिर से वही होगा तो फटाक आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप का आयरन कट ऑफ होने में समझ आता है, लेकिन हमारा आयरन कट ऑफ हो चुका है, अब इसको आराम से बाहर निकाल दें। और अभी आप रुके कम से कम 5 से 6 मिनट, 10 मिनट जा सकता है इसको ऑन होने में, एक बार आप ऐसे ही इंतजार करें ऑन होने का। और देख लिए, अभी हमने उठाया इसको, आप देख पा रहे हैं हमारा पॉइंट खुल चुका है, यानी कि हमारा आयरन कट ऑफ हो चुका है। अभी ठंडा होने बंदे अपने आप ऑन हो जाएगा, ये फिर आपको फिटिंग कर देना है। हाँ दोस्तों देखिए, हमारा पॉइंट जो है अपना चिप हो चुका है, मतलब हमारा आयरन कट ऑफ हो चुका है और ऑन हो चुका है। दोस्तों देखिए, फिर से लगा रहा मेन में। दोस्तों देखिए, हमारा आयरन ऑन हो गया फिर से, नहीं बराबर काम कर रहा था हमारा। अभी आप क्या करें, इस बार बाहर निकाल दें और ये आपको दिख रहा है बोल्ट, ये लंबा वाला, इसी कट कर देना आपको, जैसे लड़ेगा बॉडी में तो करंट आएगा, तो आपको इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये कट हो चुका है, अभी आपको क्या करने का है, इसको लॉक कर देना है। लॉक कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए देखिए मैं इसके इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारा इस वार्निश का, इसको हल्का सा पानी डाल देना है, जरा सा एकदम, मैं आपको गलत कर रहा हूँ, ये देखिए हल्का सा लिया जरा सा, सिर्फ जरा सा,
ज़्यादा डालना नहीं है, दोस्तों भी हल्का डाल दिया हमने, उसको बंद कर दे ढक्कन को तुरंत ताकि पानी सबको सूख न जाए। और फिर आपको क्या करने का है, इसको खोल लेने का है। अब दोस्तों देखिए, अभी लगाना आपने ये वाला भाग, इसको आप ऐसे लगाएंगे, ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये गलत जगह है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका यहाँ लगाना है इस तरह से, ताकि देखिए इसके लगाने की वजह क्या है, देखिए इसका पोजीशन ये है। अब गौर से देखिए, हमारा पॉइंट चालू है। अब दोस्तों इसको फिर से बाहर निकाल दें, और अभी आपको इस आलू को फिटिंग करना है। आराम से देख के फिटिंग करें, फिर दोस्तों आपको इसको भी लगा देना है। ये देखिए हमारा आयरन ऑन पोजीशन में भी है, ऑन हो जाएगा इसमें। एक बार मैं बताऊं, चेक कर लें, हमने लगाया सीरीज में, ठीक है हमारा ऑन है। एक बात और बताना भूल गया मैं, जब भी आप इसको लगाएंगे इस काले वाले भाग को, उस टाइम पे वो घुमाना नहीं, जो हमारा नॉब था इसको बिल्कुल घुमाना नहीं है, जिस पोजीशन पे है आपको उधर लगाना है। गलती से, क्योंकि ये सेम जगह से दिख रहा है, अगर आपने समझिए आपको लगाने बोला हमने इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और आपने गलती से घुमा के लाके इस पोजीशन पर बटन लगा दिया, और आप डायरेक्ट इस्त्री करने जाएंगे कपड़ा, तो कपड़ा जल जाएगा आपका, तो इसके लिए हमेशा बटन लगाएंगे तो आपको इस पोजीशन पे यहाँ पर लगना चाहिए, यानी सबसे कम पे है, और आपका बटन जो है ये भी सबसे कम पे है, इसको ध्यान रखते हुए ये बटन लगाना है। अब दोस्तों मैं इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी आपको लगा देना है इसके ऊपर ये वाला, तो उससे कनेक्शन कर देता है। अब दोस्तों मैं उसे कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने वायर लगा दिया है, हमने आपसे पहले कहा कि आपको सप्लाई कहाँ देना। देखिए हमारा जो इंडिकेटर है, आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर है, देखिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, यानी कि दोनों कॉल के टर्मिनल पर लगाया हमने, और जो हमारा फेस है ये बीच में दिया, सेंटर में जो हमारा थर्मिस्टर के ऊपर वाला पॉइंट था उसमें दिया है, और न्यूट्रल हमारा दिया है डायरेक्ट कॉइल को, इस तरह कर से करते हैं। अभी आपको क्या करने का है, इसको बंद करेंगे आप, तो इसको इस तरह से लाएं और ये ऐसा रखें ताकि कोई पैरों हमारे खींचे तो निकले नहीं, और इसको पीछे से पैक कर लें। दोस्तों देखिए, हमने ये लगा दिया है, अभी आपको लगा देना है ये वाला पट्टी, और अभी आपको चेक करना है। दोस्तों चेक करेंगे आप, तो सबसे पहले आप वायर लगाए सीरीज में, मेन में डायरेक्ट ना लगाए। दोस्तों देखिए, मैंने सीरीज में लगा दिया है, हमारा आयरन ऑफ है, ध्यान से देखिए, मैं इसको हल्का सा ऑन करूँगा। ये देखिए हमारा बल्ब जल गया है, और देखिए एक पॉइंट पे बल्ब जल गया है, इसके परफेक्ट सेटिंग ऐसे होता है। अभी इसको लगा रहा मेन में, देखिए हमारा आयरन ऑन हो चुका है। दोस्तों कई मित्र मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं आयरन रिपेयरिंग करता हूँ प्लांचा खास करके, तो दोबारा ऑन नहीं होता कटा होने बाद में, तो इसकी चिंता ना करें आप। आप डायरेक्ट अपने टेबल पर चेक करेंगे तो क्या होगा, ऐसे रखा ही रहेगा वो, तब चेक करेंगे। लेकिन जब कस्टमर क्या होता है, आयरन करते रहता है वो, आयरन करते रहता है, आयरन करते रहते क्या होता है, हमारा हिलता है, तो अपने आप ऑन ऑफ होते रहता है, तो उसकी चिंता ना करें आप। दोस्तों एक बार लास्ट में आपको चेक करना है बॉडी शॉट, और हमारा बन चुका रेडी है, एक बार चेक करता हूँ फिर से बॉडी शॉट। दोस्तों जब भी आप इसी रिपेयरिंग करेंगे तो आपको बॉडी शॉट चेक करना बहुत जरूरी है, ये समझिए आप कि कंपलसरी है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आपके आयरन में बॉडी शॉट आए अथवा ना आए तो भी आपको चेक करना ही है। दोस्तों हमारा आयरन बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई बॉडी शॉट नहीं आ रहा है, इस तरह से आप इसका प्लांचा आयरन का कंडीशन बता सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, कुछ समझ में आया तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में हमें जितना हमारा वीडियो है सभी का लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे और सभी की प्लेलिस्ट है, आप उसको ओपन कर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पहुंच जाएंगे, या फिर आप वीडियो के अंदर ही जाएंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा कैसे ओपन करते हैं प्लेलिस्ट। वैसे मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ,
प्लेलिस्ट के बारे में, कि कई मित्र हमें बोलते हैं कि सर आपका प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसा कोई दिखा देगा प्लेलिस्ट। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।